दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे मिसाइल हथियार और यूनिक सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों को बिना सलाम किए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है कि कोई भी देश भारत का लोहा मान जाएगा। भारत ने विशेष तौर पर चीन के लिए ऐसी दो शानदार मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जिनको अगर फायर कर दिया जाए तो चीन इन मिसाइलों को रोकने के लिए धरती का कितना भी पावरफुल हथियार ऑन कर दे, भारत की इन मिसाइलों के वार से बच पाना नामुमकिन होगा। और ऐसा हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि पूरे प्रूफ के साथ आज आपको बताएंगे, क्योंकि भारत ने वह सुपर हथियार बना लिया है जिसके वजह से भारत चार देशों के स्पेशल क्लब यानी अमेरिका, रूस और जर्मनी के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसकी ताकत की लिमिट यहीं तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इस वीडियो में हम इसी हथियार की एक और ताकत के बारे में बताएंगे जिससे आपके होश उड़ने तय हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिन पहले यानी जनवरी में इसी हथियार को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर डाला है, जिससे जो हथियार बनकर सामने आया है उसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले देश के सुरक्षा के लिए हथियार तैयार करने वाले भारत के वैज्ञानिकों के सम्मान और उनके सपोर्ट में और नरेंद्र मोदी के लिए कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के इस महा हथियार के बारे में जिसने चीन की सांसें रोक दी हैं। भारत की जादुई मिसाइल को देख रूस भी हैरान, दुनिया के सबसे खास क्लब में शामिल हुआ भारत। दोस्तों, इस हथियार को जानने से पहले आप एक सीन अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए ताकि इस हथियार की असली ताकत आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मान लीजिए चीन, जो कि एक ताकतवर देश है, और उसकी सेना की एक टुकड़ी अक्साई चिन के बॉर्डर को क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर अंदर तक आ जाती है। हजारों चीन के सैनिक जिनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर हैं और मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे डेंजर वेपन्स हैं जो चीन के सैनिक बीजिंग में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, और एक क्लिक करते ही ये सारे हथियार भारत में तबाही ला देंगे। बीजिंग में बैठे चीनी सैनिक लगातार इन बॉर्डर क्रॉस करती सेना के साथ संपर्क में हैं। यह भी मान लीजिए कि जहां पर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, वहां पर भारत का एक भी जवान तैनात नहीं है। अब क्योंकि भारत अपने कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रहा है, ऐसे में भारत जवाबी हमले में एक ऐसी अनोखी मिसाइल फायर करता है जो इन चीनी सैनिकों की तरफ सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक रफ्तार में दौड़ती है। स्पीड की बात करें तो 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यानी पलक झपकी और मिसाइल गायब। ये मिसाइल चीनी सैनिकों तक जैसे ही पहुंची, तभी अचानक से चीन के हथियार काम करना बंद कर देते हैं। चीनी मिसाइलें डिफेक्टिव हो जाती हैं। चीनी सेना बीजिंग में बैठे कंट्रोल रूम से अपना संपर्क खो देती है। दुश्मन के रडार अचानक जाम हो जाते हैं, यहां तक कि रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि सीमा के पास जो दुश्मन के रडार थे वो भी अचानक आग में तब्दील हो जाते हैं। और फिर भारत दूसरी मिसाइल फायर करता है जो घुसपैठ कर रही पूरी चीनी सेना को एक ही वार में खत्म कर डाली है। दोस्तों, अगर ये सीन आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया है तो यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पूरी तरह से सच हो सकता है, यानी ऐसी मिसाइल भारत के पास मौजूद है। भारत के पास वह जादुई मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है जो दुश्मन के संचार को सेकंड्स के हिसाब से काट सकती है और दुश्मन देश के रडार को ध्वस्त कर सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है और उसे काट भी सकती है, यानी चीनी कंट्रोल रूम को चीनी सेना से अलग कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है रुद्र मिसाइल। जी हाँ, इस मिसाइल को भारत ने ऐसी शानदार तकनीक से बनाया है कि भारत चार देशों के एक खास क्लब में शामिल हो गया है जिसमें चीन नहीं है, यानी इस मामले में भारत चीन से भी आगे है। ये मिसाइल क्या कर सकती है ये जानकर आप और भी हैरान हो जाने वाले हैं। कितनी ताकत रखती है भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल? आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइलें क्या होती हैं, क्योंकि रुद्र मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल ही है। दरअसल ये वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ही बनाया गया है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है, यानी जैसा कि हमने आपको बताया
कि दुश्मन पर वॉर करने से ठीक पहले इस मिसाइल का यूज किया जाता है। इन मिसाइलों में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढ लेते हैं। उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है और वहां पर तबाही मच जाती है। भारत ने ऐसी अपनी पहली मिसाइल रुद्रवन के नाम से अक्टूबर 2020 में ही बना ली थी। इसकी ताकत की बात करें तो रुद्रवन में प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम के तौर पर ऑनबोर्ड पैसिव फार्मिंग हेड दिया है जो ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। इससे मिसाइलों को मीटर्स में से अपना टारगेट चुनने की काबिलियत मिलती है। रुद्र मिसाइल डीजे बैंड के बीच ऑपरेट करती है और 100 किलोमीटर की दूर से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रवन टारगेट को ढूंढने वाली मिसाइल है। इसमें एक रडार डोर भी है। इसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्र मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, तेजस और तेजस मार्क 2 के साथ भी यूज किया जा सकता है। मिसाइल की लंबाई करीब 5.5 मीटर है और वजन 140 किलो है। रुद्रवन से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। रुद्रवन के बाद भारत लाया रुद्र का तूफान। इसकी रफ्तार को देख रूस ने इसे हाइपरसोनिक मौत का नाम दिया। तो दोस्तों, ये तो हुई रुद्रवन की बात, लेकिन वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था इस मिसाइल पर एक और एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने कर डाला है। रुद्रवन के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इसका अगल वेरिएंट यानी रुद्र 2 को भी तैयार कर डाला है, जिसने चीन का दिमाग खराब कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी नई सुपर किलर मिसाइल रुद्र 2 का टेस्ट किया है और उसका वीडियो जारी किया है। आर्टिकल आप देख सकते हैं। यह मिसाइल लगातार खबरों में जारी है। यूं समझ लीजिए कि यह हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 3MKI फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देता है। इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सबसे कमाल की बात तो इसकी स्पीड है। इस मिसाइल की स्पीड है 6790.4 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस भी इस मिसाइल से काफी हैरान है। ये खबर आप देखिए, इंडिया गेट सुपरसोनिक डेथ, मिसाइल इंस्पायर्ड बाय रशियन रॉकेट, यानी रूस ने भी इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मौत का नाम दिया है। रुद्र की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा है, साथ में पैसिव रडार होम सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस मिसाइल का मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।